विवाह का झांसा देकर वह बंधक बनाकर करता रहा ज्यादती। आपत्ति जताने पर गला घोटकर कर दी हत्या। विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी के अंतर्गत नाले में मिले अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के उपरांत सघन जांच पड़ताल के बाद अंधी हत्या का खुलासा हुआ है। नवागत एसपी अभिजीत रंजन ने घटना के संबंध में खुलासा करते हुए बताया कि ज्वालामुखी मंदिर रोड शक्तिनगर निवासी 17 वर्षीय युवती को आरोपी राजेंद्र खेरवार उर्फ अन्ना बीते 27 मई को विवाह का झांसा देकर अपने ठिकाने पर ले गया, जहां पर बंधक बनाकर 3 दिनों तक लगातार ज्यादती करता रहा। आपत्ति जताने पर युवती का गला घोटकर हत्या कर फरार हो गया। हत्या के उपरांत आरोपी ने जयंत CGM ऑफिस रोड स्थित नाले में शव को फेंक कर फरार हो गया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी श्री रंजन ने बताया कि TI अरुण पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा हत्या आरोपी अन्ना उर्फ राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 302 376 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। राजेंद्र बाबू अन्ना खेरवार पिता रामचंद्र खेरवार निवासी शक्तिनगर अम्बेडकर नगर कॉलोनी सोनभद्र जिला। एक नाबालिग युवती की बॉडी जो है मिली थी CGM ऑफिस के पास जो नाला है उसमें। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये जो लड़की है शक्तिनगर की रहने वाली है और इसका ही प्रेम संबंध शक्तिनगर के ही रहने वाले अन्ना के साथ था और आपस में शादी की बातचीत को लेकर के जब लड़की ने अन्ना पे शादी का दबाव बनाया तो उसने इसे पीछा छुड़ाने के लिए गले दबा करके इसकी हत्या कर दी और उसकी जो बॉडी है उसको अपने जिले में दफन कर दिया। क्या सर इसमें एक ही लोग शामिल था आरोपी? इसमें जो अभी तक छानबीन की है उसमें अभी एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, बाकी अभी उससे और पूछताछ करेंगे और सारी चीज़ें सामने आएगी तो नाम बढ़ाया जाएगा। सर जो गाड़ी प्रयोग की गई है उसमें क्या ड्राइविंग यही व्यक्ति कर रहा था? बिल्कुल, अभी जो इसके द्वारा बताया गया है उसमें कार ड्राइविंग करने का इसी ने बताया है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।